हेलो एंड वेलकम टू माइंडसेट ट्यूटोरियल गाइस. टिल प्रीवियस लेक्चर्स व्हाट वी हैव डन, टिल प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल 5-10. सो आज क्या कैसे करेंगे, आज पूरा फॉर्मेट क्या होगा, हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. फर्स्ट लेट मी टेल यू, टिल 5-10 जो जो आपके डाउट्स आ रहे थे तो मैं कुछ लोगों के डाउट्स वहीं पे क्लियर करता था, व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉलिंग. जो पॉसिबल नहीं हो पाए, कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे, जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था मैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको मैंने सारे को सेपरेट किया एंड आई हैव रिटन ओवर हियर. एंड आई, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग में से एवरेज पर्सन जो थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स को जो मैंने कैलकुलेट किया, उसमें से कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थे. तो वी फर्स्ट आई विल लाइक सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स सही हो जाएंगे. And then we will move proceed for the other type, 5-11. Okay. So chalo, let's start with today's lecture. So doubt sabse pehle kya tha, this first one. First one they have given you y equal to 5 e raised to x into sine square x. Koi bhi doubt nahi rehna chahiye. We will सॉल्व दिस चैप्टर, इसको पूरा निचोड़ डालेंगे, इसको निचोड़ करके एक एक टाइप, एक एक फाइल, एक एक सम को हमको आना चाहिए. बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द हार्ट ऑफ कैलकुलस. इफ़ यू नो डेरिवेटिव, यू नो ऑल एंटायर कैलकुलस. ये आपको बहुत ईजिली अच्छे से आगे हेल्प करेगा. ओके, सो आई कैन सी ओवर हियर वाई इक्वल टू 5 e raised to x इंटू साइन स्क्वायर एक्स. सो वेन एवर यू सी अ सम लाइक दिस, वेन यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सम्स, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इतना बड़ा दिया हुआ है तो ये डिफिकल्ट होगा. आई एम सॉल्विंग ओवर हियर, जस्ट सी, बेस आता है आपको, इसलिए मतलब फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आई एम लाइक अटरिंग इट एंड आई एम सेइंग इट कि आपको बेस आता है तो यू नो एवरीथिंग. सो दिस ऑल डिपेंड ऑन बेस. सो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर, डिफरेंशिएट, सी कितना आसान है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करे, खुद से करे. सो आई विल बी राइटिंग dy/dx इक्वल टू, कैन आई से दिस 5 इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट और ये पूरा रेस टू समथिंग. सो डू वी हैव एनी फॉर्मुले लाइक दिस, डू वी हैव, यस सर वी हैव, यू विल टेल मी कि यस सर वी हैव. सो विच फॉर्मूला इज दैट, सो a raised to x, d/dx ऑफ a raised to x क्या होता है, a raised to x इंटू log of a. इफ टाइम परमिट विल स्टार्ट विथ लॉजिक ऑल्सो टूडे, बट आई डोंट थिंक सो कि होगा, बट लेट्स सी क्या बोलता है. सो dy/dx इक्वल टू a raised to x इज नथिंग बट a raised to x इंटू लॉग ए. एंड यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट. एंड ये सारा क्या है, आई विल कंसिडर दिस इंटायर एज x. तो ये क्या हो गया, a raised to x. वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ a raised to x, a raised to x इंटू लॉग ए. यू विल कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पूरे को x. सो आई विल बी राइटिंग a raised to x एज इट इज, a raised to x इंटू log a na, and what is a, a is 5 over here. So I have written a raised to x into log a. Itna simple hai, easy hai, great, come ahead. Now again ye part to solve ho gaya, a raised to x into log a. To kya ye yahi pe sum khatam ho gaya? Agar aisa rehta 5 raised to x, so I could have written 5 raised to x into log of 5. To ye khatam ho gaya tha yahi pe, but aisa nahi hai. They have given you some extra and that is composite. The people used to say chain rule. So you don't have to say all those stuff, chain rule and all, bas yaad rakho, this is extra. So whatever was extra, I'm removing this, whatever was extra, what we used to do, jo bhi extra aayega uske liye hum log kya karte. So the thing we used to do, usko wapis se we differentiate. So I'm differentiating. Hey, you can see what is extra over here. Yahan pe sirf x rehna chahiye tha, they've given you so many stuff over here. So I will be differentiating this again, e raised to x into साइन स्क्वायर एक्स. सो यू आर राइटिंग ऑल दिस. उसके बाद दिस इज नथिंग बट यू इंटू वी. कैन आई से दिस इज नथिंग बट यू इंटू वी. देखो फर्स्ट लेक्चर से अभी तक सारे लेक्चर कनेक्टेड है कि नहीं, दे आर ऑल कनेक्टेड. सो आई विल बी राइटिंग यू इंटू वी. सो यू इंटू वी इज यू, यू d/dx of v प्लस वी, वी इंटू d/dx ऑफ वॉट यू, वॉट इज यू, e raised to x. अगेन यू गाइज आर राइटिंग ऑल दिस ओवर हियर. आपने इसको ऐसा लिखा एंड दिस e raised to x इज आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव, सो आई विल बी राइटिंग एज इट इज. एंड d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज नथिंग बट टॉयड, टॉयड इज एंट इट. सो वॉट वी हैव टू डू इन टॉयड,
बिफोर सॉल्विंग मैं एक स्टेप कर देता हूँ, टेकिंग आउट पावर इन डिनोमिनेटर दैट इज ट्रॉयड साइन स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। नाउ वी कैन सॉल्व इट इजिली, देखो पूरा एक ही साथ सॉल्व करता हूँ अभी। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, फाइव इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव, ये नीचे है प्लीज ऑब्जर्व, एंड दिस इज लाइक पूरा इसे मल्टीप्लाई है, सो आई विल बी राइटिंग दिस ब्रैकेट ओवर हियर। सो ई रेज टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, टू माइनस वन, तो कैन आई राइट वन, बट यहाँ पे सिर्फ एक्स रहना चाहिए था, है तो साइन एक्स, सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस दिस साइन स्क्वायर एक्स इज आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई विल राइट एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, सिंपल वन, यू नो दैट ऑल। अभी तक तो आपने तो पी लिया होगा पूरे फॉर्मूले को, एंड यू हैव टू, सो फाइव इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग फाइव, लॉग फाइव इंटू ई रेज टू एक्स इंटू टू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, याद है फॉर्मूले आई होप सो, नहीं याद है तो नलायक हो आप लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज एंड दिस ई रेज टू एक्स एज इट इज, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या था इसमें, अगेन आई रिपीट, यू नो एवरीथिंग, कोई भी क्लास हो, वो जेई हो, इंजीनियरिंग हो, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम हो, गो विद द बेसिक, बेसिक आपका प्रॉपर रहेगा देन यू विल गो ऑन एडिंग एडिंग एडिंग, उसके ऊपर आप ऐड करते जाओगे, नीचे आपका बेस है ही नहीं है तो पूरा सब गिरने वाला है। ओके, यू जस्ट सॉल्व इट, पॉज करो, सॉल्व करो। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो आप लोगों को डाउट थे, what is the second question, just see, observe, y equal to 7 raised to x plus 1 by x, okay, so if they have given you y equal to 7 raised to x plus 1 by x, again can I say this is nothing but a raised to x, what is this, this is a raised to x, so I will write differentiate with respect to x, I will move a little of quick over here, this is a raised to x, so I will be writing a raised to x as simple as that into log a, or a ke jagah pe kya hai 7, so I am writing log 7, but this all is extra over here, yahan pe rehna chahiye tha x, and in spite of that they have given us x plus 1 by x, so I will be differentiating that particular stuff over here, x plus 1 by x over here, so I am writing 7 raised to x plus 1 by x into log of 7 into d by dx of x, what is d by dx of x, ये ऐसा है d by dx of x is nothing but 1, and 1 by x को I cannot differentiate ना, I am writing that over here, d by dx of 1 by x, do I have any formula for 1 by x, sir I don't have any formula for 1 by x, so you have to make it ना, if they have not given you, so you have to make it, कैसे, just see, concentrate, your focus should be on board, just focus, listen to me, this is 1, this is 1, now I am writing what, 1 by x है ना, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो मैं बनाता हूँ ना, आप भी बनाओ, 1 बाई एक्स, आई विल शिफ्ट दिस एक्स टू न्यूमरेटर, व्हेन आई एम शिफ्टिंग इट, तो ये एक्स रेस टू प्लस था नीचे, यहाँ पे डिग्री कुछ भी नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस 1, सो आई एम राइटिंग दिस एज इट इज, दिस इज 1 प्लस, दिस इज नथिंग बट एक्स रेस टू एन, ए वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेस टू एन, एन इन टू एक्स रेस टू एन माइनस 1, इजंट इट, सो व्हेन आई एम राइटिंग दिस एक्स रेस टू माइनस 1, सो एन, आई एम राइटिंग एन ना, सो एन into x raised to n minus 1, so minus 1 minus 1, okay, so this is what, 7 x plus 1 by x into log of 7 into 1 plus this minus will come over here, no? So I'm writing directly minus over here, so x raised to minus 1 minus 1 minus 2, and this is your final answer, that's it. Moving on to the next question, pause it and copy.
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, किसी को डाउट है तो। अब दिस वन यू हैव टू ट्राई, ये ए रेस्ट टू एक्स का इतना हो गया कि आप लोग अब ये ट्राई कर सकते हो। वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू कॉट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स, इतना बड़ा ई रेस्ट टू एक्स दे दिया तो क्या डर जाने का? नहीं डरने का, सिंपल। कैसे? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट व्हेन आई एम राइटिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर हियर देन आई हैव टू डिफरेंशिएट। सर हाउ यू विल डिफरेंशिएट? सी ना, डी वाई बाई डी एक्स आई विल बी राइटिंग ओवर हियर एंड दिस इज नथिंग बट ई रेस्ट टू एक्स। ए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई रेस्ट टू एक्स? द सिंपल फॉर्मूले ऑफ योर डेरिवेटिव ई रेस्ट टू एक्स इज ई रेस्ट टू एक्स। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ई रेस्ट टू एक्स एज इट इज टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स। ओके, सो आई हैव रिटन दिस, आई विल सी ओवर हियर कि ई रेस्ट टू एक्स का आंसर हो गया ई रेस्ट टू एक्स, बट दिस पर्टिकुलर स्टफ इज एक्स्ट्रा ना माई डियर बच्चा। सो अगेन आई हैव टू डिफरेंशिएट दैट, सो ले मैं कर रहा हूँ आप इसे कॉट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स। सो वैन आई एम डिफरेंशिएटिंग सो आई विल अगेन राइट ई रेस्ट टू कॉट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स d by dx of this is nothing but just concentrate over here, this is nothing but u, this is nothing but v, so apply u into v formulae. So when I'm applying u into v formulae ye kya ho jayega usko alag color se likhta hu ki aapko samajh mein aa jaye. u d by dx of v plus v into d by dx of U, ओके हो गया सॉल्व ऑलमोस्ट। दिस इज योर राइटिंग, फिर cot x d by dx ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x, राइट? सो x इंटू ई रेस टू एक्स, बट दिस पर्टिकुलर स्टफ इज एक्स्ट्रा ना, सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट दैट स्टफ x इंटू ई रेस टू एक्स। प्लस ये tan x e रेस टू x बाहर है तो बाहर ही रहेगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, पूरा सम सॉल्व, एक स्टेप और सॉल्व स्टेप एंड वी आर डन विद द सम। e रेस टू cot x इंटू टेन एक्स, ये देखो जरा इतने बड़े बड़े लंबे लंबे सम्स यू आर डूइंग और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा, सारा हो जाएगा cot x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x इंटू ई रेस टू x, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेस टू x, वो सारे रिपीट होने वाले हैं। x इंटू ई रेस टू x, दिस इज नथिंग बट u इंटू v, सो अगेन अप्लाई u इंटू v, सो आई एम अप्लाइंग x d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू x प्लस ई रेस टू x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। जिन बच्चों को डाउट था वो सारे देखो आज डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो एज इट इज रहेगा टेन एक्स टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ आई एम राइटिंग योर फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल आंसर, वॉट e raised to cot x into tan of x into e raised to x into cot x This is your final answer. Just pause it and write it quickly. Okay, fine. Chalo, now we are starting with the next sum. Next sum in challenging question was like this. Isme bhi kisi ko bahut sare logo ko problem hua, to just see, observe y equal to under root of a square plus
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन व्हाट यू विल डू, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो जस्ट सी, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू दिस इंटायर, ये एक बड़ा रूट है। एंड वॉट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन टू रूट एक्स। सो आई हैव टू राइट वन अपॉन टू रूट एक्स, ये पूरा रूट एक्स है, पूरा एक बड़ा वाला, ये बिगर वन। सो दिस इज वन अपॉन टू रूट एक्स, लेकिन रहना क्या चाहिए था, सिर्फ रूट एक्स, एंड दे हैव गिवन यू सो मेनी थिंग। सो आई, व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन डिफरेंशिएट ऑल दोज एक्स्ट्रा स्टफ ओवर हियर। सो एक्स्ट्रा में क्या था, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ईजी, ये इतना सॉल्व हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों को सेपरेट करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ए इज कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर भी रहे तो क्या होगा, वो जीरो, और ये ऐसा है, फाइन, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जीरो, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगेन वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, देन अगेन इनसाइड वाला इज एक्स्ट्रा ना, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन डन, वी आर डन विद द सम, ये क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस जीरो, फॉरगेट अबाउट इट, वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर अगेन, ये हो गया जीरो और ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स, राइट, एक्स रेस टू एन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, सो जीरो प्लस टू एक्स बचेगा क्या, टू एक्स, तो ये टू एक्स इधर आ गया, राइट, ये टू टू कैंसिल हो गया, सो योर फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज इट एंड राइट क्विकली। ओके फाइन, नाउ वी आर डूइंग मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन दिया था, राइट, y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इन्फिनिटी, तो इसमें बहुत लोगों का क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, किसी ने सॉल्व किया था, दो तीन लोग ने सॉल्व भी किया था। बिफोर सॉल्विंग दिस, मैं एक दूसरा वाला क्वेश्चन यही टाइप के सॉल्व करता हूँ, द सेकेंड वन, सी, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, सी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। अब ये सम को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस सम, योर फोकस शुड बी ऑन बोर्ड, थोड़ा सा यू हैव टू थिंक अ बिट, जस्ट फोकस फोकस ओवर हियर। I will write squaring both side. What? Squaring both side. So when I am squaring, तो ये हो जाएगा y square. और जब squaring करूँगा तो square और root जाएगा, ये तो bigger one जाएगा, right?
जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल द बिगर वन, उतना आप लोग को अभी ऐसे ही समझ में आना चाहिए। ये बड़ा वाला रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, बड़ा वाला रूट हट गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, जस्ट फोकस ओवर या कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऑब्जर्व, वाई इक्वल टू दिस ना, y इक्वल टू दिस log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x एंड इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। वेन आई विल वॉच ओवर हियर कैन आई से कि log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, तो कैन आई से कि दिस इज नथिंग बट ये पूरा जो है दिस इज नथिंग बट y, बिकॉज y की भी वैल्यू वही है और इसकी भी वैल्यू वही है, इसको मैं और बढ़ा सकता हूँ, इसको भी और बढ़ा सकता हूँ रूट के अंदर, बिकॉज वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दिस ऑल थिंग ओवर हियर, व्हाट आई विल राइट वाई, यू आर राइटिंग हियर वन, उसको बोल दोगे फ्रॉम वन, अभी आप स्कूल में नहीं हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम वन। अब ये ईजी हो गया, नाउ इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ डेरिवेटिव, सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट, so differentiate with respect to x. So when I am differentiating, so x raised to n क्या होता है, n into x raised to n minus 1. So y, I am differentiating with respect to x, ये y square है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 y raised to 2 minus 1, तो 1 आ गया, लेकिन ये y extra है, ये x नहीं है, so वो क्या होगा, वापस से differentiate होगा, dy by dx, d by dx अब यहाँ पे क्या होगा, log x, और यहाँ पे d by dx of y, ऊपर लिख लो आप लोग, मैं रब करके ऊपर लिखता हूँ, सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, और ये ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स। सो नाउ आई विल शिफ्ट दिस डी वाई बाई डी एक्स ओवर हियर लाइक टर्म के पास, ये dy वाई बाई डी एक्स को यहाँ भेजूँगा, तो वो क्या हो जाएगा dy वाई बाई, हमको सिर्फ dy वाई बाई डी एक्स का चाहिए, यहाँ पर दो दो है, तो इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या हो गया नेगेटिव इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, ओके फाइन, उसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट यू हैव कम्प्लीटेड दिस, ये दोनों में dy वाई बाई डी एक्स है, सो व्हेन आई विल टेक dy वाई बाई डी एक्स कॉमन, dy वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या बचेगा 2y, और यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स मैंने बाहर लिया तो माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो वापस वही आएगा dy वाई बाई डी एक्स इंटू 2y, ये dy वाई बाई डी एक्स इंटू 1 दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स। नाउ मुझे सिर्फ dy वाई बाई डी एक्स चाहिए, सो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू, ये पूरा मैं नीचे शिफ्ट करूँगा ये साइड में, तो ये क्या हो गया 2y माइनस 1, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, पॉज इट एंड राइट इट। अब मैं ऊपर वाला भी करके दिखाता हूँ आप लोग को, जिसको भी डाउट है जरा देखो, अगर मैं जस्ट फोकस शुड बी ऑन बोर्ड, लिसन ऑब्जर्व प्लीज, x raise to इन्फिनिटी इज गोइंग ना राइट, अगर मैं यहाँ से एक x को हटाता हूँ तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू टिल इन्फिनिटी है। सो मैं इतने को देखता हूँ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दिस मच, दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी ना, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इन्फिनिटी, और मेरा y का वैल्यू क्या भी है, y ज़रा देखो, x रेस टू x रेस टू इन्फिनिटी, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू x raise to infinity, तो y की वैल्यू क्या है, x raise to infinity, forget about this, see, x raise to infinity, तो in spite of writing all this red वाला this ellipse form को, can I write just y, because y is also x raise to infinity ना,
सो दैट आई कैन डू. सो आई विल बी राइटिंग एक्स रेस टू इंस्टेड एंड इंस्पाइट ऑफ राइटिंग दिस इंटायर थिंग दैट एलिप्स टाइप थोड़ा बहुत वैसा दिख रहा है, ये लिखे बिना मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ वाई, बिकॉज वाई की वैल्यू भी तो वही है. गेटिंग इट, बस सिंपल. नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी बिफोर डिफरेंशिएटिंग हमको इसमें लॉग लेना पड़ेगा ना, सो विल टेक लॉग बिकॉज एक्स रेस टू वी रेस टू वी हो गया. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके. सो आई एम राइटिंग लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई. ये क्या हो गया, लॉग ऑफ वाई, y नीचे आ गया, log ऑफ x रेस टू log ऑफ m रेस टू n, तो n नीचे आएगा, y into log x. now I can differentiate. so when I will differentiate now, see, ये क्या हो जाएगा, log x 1 upon x, y है तो 1 upon y and d by dx of y. यहाँ पे this is u, this is v, so u d by dx of v plus v d by dx of u. what is u over here, किधर क्या u, this one, okay. so dy by dx equal to y, I will shift over there, d by dx of log x, ये तो y बाहर था पहले से, ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे लिखा, d by dx of log x 1 upon x, ये log x बाहर है as it is, d by ये ऐसे ही रहेगा, ओके, डी वाई बाई डी एक्स. नाउ आई एम सॉल्विंग दिस ओवर हियर. y को अंदर लेते हो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये y अंदर जाएगा तो y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई देन इससे मल्टीप्लाई and y into log x into dy by dx, ठीक है. अब we want just dy by dx, we don't want so many things. so ये पूरा dy by dx के जो साथ है उसको I will shift over here LHS में. so यहाँ पर क्या था, dy by dx, और ये यहाँ पर आके minus y log x dy by dx equal to y square upon x. ये दोनों में से मैं dy by dx common लूँगा. सो यहाँ से dy by dx निकालूंगा तो क्या बचा, 1 माइनस y इंटू log x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप dy by dx ओवर हियर एंड आई विल शिफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर. सो y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y इंटू log x, दिस इज माई फाइनल आंसर. जस्ट पॉज इट एंड राइट क्विकली. आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको. सब टाइप कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ज़रा अभी ना हो. ये वाला आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करना, ट्राई दिस, एक्स रेस टू रूट एक्स रेस टू वाई हो जाएगा बस, और कुछ नहीं. ये वाला पार्ट वाई हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व.